आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज की पल्सर NS125 के यहाँ पे न्यू मॉडल को बजाज की पल्सर 150 के यहाँ पे न्यू मॉडल से। दोनों ही यहाँ पे लेटेस्ट मॉडल्स है, 2023 की ऑफरिंग है और दोनों के फ्रेंड्स कंपैरिजन का रीज़न रहता है यहाँ पे प्राइसिंग। अगर आप NS125 के प्राइस को देखते हैं तो अभी जो इसका करेंट ऑन रोड प्राइस है वो जा रहा है 1,28,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में और ये जा रही है 1,43,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड, तो लगभग में यहाँ पे 15,000 रुपये का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। बट अगर आप लुक्स और फीचर्स वाइज देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपको कंपनी यहाँ पे बजाज पल्सर 150 में प्रोवाइड करती है ABS, जो कि आपको फ्रेंड्स NS125 में नहीं मिल पाता है क्योंकि ये 125 cc सेगमेंट की ऑफरिंग है और ये यहाँ पे 150 cc सेगमेंट की ऑफरिंग है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आपको इंजन मिलता है 150 cc का जो कि ज़्यादा पावरफुल है NS125 के इंजन के कंपेरिजन में। बट वहीं पर फ्रेंड्स अगर आपको माइलेज चाहिए तो फिर आपको जाना होगा NS125 के साथ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा बजाज की पल्सर 150 के कंपैरिजन में। ये बाइक आपको माइलेज ऑफर करेगी 40 to 45 के अप्रॉक्स में, वो आपको ऑफर करेगी 50 to 55 के अप्रॉक्स में। बाकी आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे किस हिसाब से बाइक को मेंटेन कर रहे हैं, आप यहाँ पे कितना आप जो है वो कौन से स्पीड में आप राइड करते हैं और किस हिसाब से आप गियर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे माइलेज काफ़ी ज़्यादा उन पर वेरी करता है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स माइलेज में आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो है यहाँ पे टायर्स। अगर आप टायर्स भी देखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको वाइडर टायर्स मिलता है। यहाँ पे रियर में मिलता है 120 सेक्शन का टायर, फ्रंट में मिलता है 90 सेक्शन का टायर और वहाँ पे कंपनी आपको 100 सेक्शन का टायर प्रोवाइड करती है रियर में और फ्रंट में आपको प्रोवाइड करती है 80 सेक्शन का टायर। तो यहाँ पे आपको वाइडर टायर्स मिलता है जिससे कि फ्रेंड्स हायर स्पीड्स पर आपको ग्रिप भी अच्छा देखने को मिलेगा और ये फ्रेंड्स एक यहाँ पे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वह है सस्पेंशन। दोनों में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स तो मिल जाता है बट यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो टेलीस्कोपिक फोक्स है वो यहाँ पे आपको पतला देखने को मिलता है NS125 का बजाज की पल्सर 150 के कंपैरिजन में, आप देख भी पा रहे होंगे। और अगर आप रियर के सस्पेंशन को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है शॉक एब्जॉर्बर्स, वहाँ पे आपको मिलता है मोनोशॉक्स। तो बैक से अगर आप डिज़ाइन देखते हैं तो NS ज़्यादा स्पोर्टी लगती है इसके कंपेरिजन में। दोनों में यहाँ पे टेल लाइट्स आपको मिल जाता है फ्रेंड्स बल्ब में और स्प्लिट में सीट्स मिल जाता है। स्प्लिट में ही कंपनी ग्रैब रेल्स भी आपको ऑफर करती है और कुछ ऐसा यहाँ पे डिज़ाइन आपको मिलेगा। इसका जो एग्जॉस्ट है वो आपको मिलता है साइड माउंटेड जिससे कि ये बाइक यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर लगती है प्लस बल्कि भी लगती है। और वहीं अगर आप NS में देखते हैं तो यहाँ पे आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, तो यहाँ आपको एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा मिसिंग मिसिंग सा लगेगा बट वो नीचे के साइड में है, तो इससे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लुक्स में भी डिफरेंस आ जाता है और कुछ ऐसा डिज़ाइन है। बट अगर आप मीटर कंसोल की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको एनालॉग प्लस डिजिटल में मीटर कंसोल मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे। और क्लिप ऑन में कंपनी यहाँ पे हैंडल बार्स भी आपको ऑफर करती है, ये रहा एनालॉग प्लस डिजिटल में। और यहाँ पे भी सेम ही मिलता है बट थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन में जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्विचेस सारी आपको सेम मिलती है, सेम फीचर्स आपको मिलता है, फीचर्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और अगर आप इस साइड से भी लुक्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलेगा। टैंक यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर देखने को मिलता है NS125 का बजाज की पल्सर 150 के कंपेरिजन में क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जो टैंक है उसमें आपको यहाँ पे फाइबर एक्सटेंशन देखने को मिलता है जो 125 लिखा हुआ है ये, और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा फ्रेंड्स जो है वो बस मेटल टैंक ही देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको लुक्स में जो है वो डिफरेंस मिलता है। ये भी फ्रेंड्स 5-स्पीड गियर बॉक्स सेटअप के साथ आती है, ये भी यहाँ पे 5-स्पीड गियर बॉक्स सेटअप के साथ ही आ रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो इसमें आपको मिलता है यहाँ पे ओपन चेन सिस्टम और साड़ी गार्ड कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा हुआ है और कंपनी यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको ओपन चेन सिस्टम ही प्रोवाइड करती है और इसका जो साड़ी गार्ड है वो पीछे के साइड में सेट है। इसमें कंपनी आपको यहाँ पे डुअल टायर हगर प्रोवाइड करती है NS125 में जो कि आपको बजाज की पल्सर 150 में यहाँ पे नहीं मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको टायर हगर दिख रहा होगा डुअल स्प्लिट में और यहाँ पे आपको टायर हगर नहीं मिल रहा है। बाकी बैक से अगर आप देखते हैं तो टेल लाइट सेम है, नीचे में रिफ्लेक्टर्स है और इंडिकेटर्स दोनों में ही आपको बल्ब में मिलता है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे फुल फ्लेक्सीबल इंडिकेटर्स है और ये यहाँ पे फ्रेंड्स आता है थोड़ा सा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नॉन फ्लेक्सीबल उसके कंपेरिजन में। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो इसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी जो है वो कुछ ऐसा डिज़ाइन प्रोवाइड कर रही है साइड से और उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन मिलता है, सिटिंग पोस्चर भी थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी है इसके कंपैरिजन में। बाकी कंपनी यहाँ पे आपको फ्रेंड जो है वो किक प्रोवाइड कर रही है और इस मॉडल में आपको किक नहीं मिलता है, तो अपनी आपकी चॉइस है फ्रेंड्स। अगर आपको किक चाहिए तो फिर आप NS125 के साथ जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से बजाज की पल्सर 150 मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगती है। आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपकी राय क्या है। और इसका रीज़न है फ्रेंड्स कि कंपनी यहाँ पर आपको ABS भी प्रोवाइड कर रही है, साथ के साथ वाइडर टायर्स भी मिल रहा है और परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप फ्रेंड्स लुक वाइज देखते हैं तो यहाँ पे NS ज़्यादा आगे निकल जाता है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करती है कि आपका मतलब यूजर्स क्या है
और आपको यहाँ पे मतलब बेसिकली जो मेन पॉइंट होता है वो होता है यूजर्स। अगर आपकी यूजर्स है फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक ज़्यादा पावरफुल बाइक चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि मुझे स्पोर्टी डिज़ाइन चाहिए और लुक्स में यहाँ पे बाइक जो है वो ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए और ज़्यादा मस्कुलर होनी चाहिए, तो फिर आप NS125 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मस्कुलर डिज़ाइन मिलता है, स्पोर्टी डिज़ाइन मिल जाता है, और फ्रंट से भी आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको हम यहाँ से जो है वो दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पे एक शॉर्ट कंपैरिजन दोनों ही बाइक्स का। मैं होप करता हूँ आपकी जो भी डाउट्स होगी वो यहाँ पे क्लियर हो गई और आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कौन सी बाइक के साथ आपको जाना है। अगर फिर भी आपकी कुछ डाउट्स रह गई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।